दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया में छात्रों को यातायात नियमों और संकेतों के संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिन्हा, TSI जग नारायण, समाज सेवी योगेंद्र गौड़, संजय श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज महेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने विस्तृत जानकारी दी। छात्रों को बताया गया कि दुर्घटना के बाद जीवन में किस तरह परिवर्तन आता है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, साथ ही साथ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाने, यातायात संकेत और नियमों के बारे में बच्चों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त छात्र और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्रों और पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, करने का काम करते थे, परंतु इधर बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चों की जो घटनाएं मृत्यु हुई हैं, घायल हुए हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं कि गाड़ी चली जा रही है, उधर से आ रही है, इधर से जाके दाहिने से मार दिए हैं, गाड़ी के नीचे दबे पड़े हैं। प्यारे बच्चों, जब आप घर से निकलते हैं तो आपको इस समय वर्तमान समय में ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हम घर से समय से निकलें, फेसबुक इसलिए जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में संबंधित बहुत मायने रखती है ट्रैफिक। अगर हम हमारे जीवन का नुकसान होगा तो हमारे घर परिवार मोहल्ले सब कुछ को नुकसान होगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, तो नियम तोड़ रहे हैं उससे ट्रैफिक होगी। अगर ट्रैफिक नहीं भी होती है, कहीं खाली है, उससे अगर जा रहे हैं आगे, तो अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो हमारे घर वाले परेशानी पड़ जाते हैं। अगर पैसे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत नियमों का पालन करके हमें हर जगह चलना चाहिए। यात्रा के वहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, ये सब रूल हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारे इंसान समाज में भाई जब एक्सीडेंट हुआ हमारा, ना हमारा मृत्यु हो, ना होते हुए भी हमारा एक्सीडेंट में कोई पार्टी खराब हो गया, तो मेरे लिए करियर मेरा खराब हो सकता है, मेरे परिवार के लिए। बताइए, ट्रैफिक रूल क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों पालन करना चाहिए यातायात के लिए? नहीं, आ जाओ, जिसको बताना हो स्वागत है सभी का। जो भी बच्चा दुर्घटना के लिए बताना चाहे आप पर पड़ेगा, आपको ये बताना लोगों को। बीच में सभी लोगों ने बताया क्या क्या दुर्घटना से क्या क्या, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कोई दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना जैसे हो गई तो उसके कई लोग प्रभावित होते हैं। सबसे पहला जो उसके साथ दुर्घटना होती है कि खुशी होते हैं, चलो भाई मेरे चोट लग गई, बहुत अच्छी बात है, हाँ ऐसा नहीं होता। चोट लगने के बाद अगर आपके दोनों पैर टूट गए तो चारपाई पड़े पड़े आपको टॉयलेट जाना, चारपाई पड़े पड़े आपको लेटरिन जानी है ना, तो आप उस कष्ट को इमेजिन करिए। जो चीज़ आपके साथ हो जाएगी, मान लो एक्सीडेंट हुआ, तो वो कष्ट आप जब तक आप उसके विषय में नहीं सोचोगे तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। हमें अर्थात दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि आपको कष्ट हुआ। अब कष्ट के बाद दूसरी स्टेज क्या है, आपको एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आपके घर वालों को पता चला, घर वाले क्या करेंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, है ना। जैसे किसी ने बताया आर्थिक स्थिति वाली बात है। अब आप हॉस्पिटल में गए, डिपेंड करता है आपके चोट किस प्रकार की लगी है। चोट जिसके लगी है तो माँ बाप आपको पैसा भी खर्च करेंगे, उन्होंने सोच रखा था कि हम आपको इंजीनियर बनाएंगे, उसके लिए 5-6 लाख खर्च बना रखा, डॉक्टर बनाएंगे 5-6 लाख बना रखा होगा, और वो पैसा आपका खर्च हो गया किसमें, एक्सीडेंट में खर्च हो गया, फिर क्या आप इंजीनियर बन पाओगे, ऐसा व्यर्थ ना जाए। जो पैसा आपके सिस्टर की शादी के लिए, आपकी शादी के लिए रखा गया है, जो पैसा आपके माता पिता ने आपके कैरियर के लिए रखा है, वो आपके दवा के लिए रख दिया, तो ख़त्म हो गया आपका कैरियर। दूसरा,
इनमें तो बहुत से लोग सोच रहे हैं, जैसे एनसीसी वाले कैंडिडेट कुछ हमारे पास में आए, उनका उद्देश्य होगा हम आर्मी में जाएंगे, किसी का सीआरपीएफ में होगा, किसी का पुलिस में होगा, किसी फोर्स में होगा। जब दोनों पैर टूट जाएंगे तो उसका सपना चूर हो गया। क्यों बताइए, जो पुलिस में जाना चाहता है इसलिए बहुत सावधानी कर पाए। जब मैं पढ़ता था अपने माता पिता को ध्यान में रखना है, अपने लिए ध्यान में रखना है और अपने परिवार के पैसे के लिए ध्यान में रखना है, तो दुर्घटना से बचाव इसीलिए जरूरी होता। इसी चीज अब आपकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पर टूट गई, अब आप उसकी मरम्मत भी तो कराओगे, कार टूट गई तो कार की मरम्मत कराओगे, उसमें भी पैसा लगेगा। तो दुर्घटना से जो है ये तो केवल आपके नुकसान की बात कर रहा हूँ, आपकी दुर्घटना रोड पे हो गई, मोटरसाइकिल से कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया आपने, 10-10 किलोमीटर का लंबा जाम हो गया, उसमें कितने लोग परेशान होंगे आप सोचिए। उसको अगर 1 किलोमीटर का जाम लग गया, 1000 ट्रक या बसें खड़ी हो गई, उनमें 40-40 आदमी हो, तो 50,000 आदमी परेशान हो गए आपकी छोटी सी लापरवाही में। तो जो व्यक्ति अगर इतना सोचता है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमारे किसी कष्ट से किसी को भी कष्ट ना पहुँचे, आप समझे। मतलब इसलिए मैं आप लोगों को जगाने आया हूँ, आप लोग बच्चे हो, आप लोग अभी समझोगे तब जाके आज ही आपके बच्चे कल के नागरिक होंगे। आप ही लोगों को संभालना है, देश संभालना है, पूरा समाज संभालना है, सिस्टम संभालना है। कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आर्मी में होगा, कहीं कहीं होगा। तो अगर आप उस समय अगर लापरवाही करोगे तो आपका परिवार प्रभावित होगा। अभी तो आप बच्चे बेटे के रूप में आप नुकसान होगा, जब आप बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएंगे, तब आप पिता के रूप में बच्चों को नुकसान कराओगे। तो कुल मिला के दुर्घटना से ये सब नुकसान है, उस नुकसान से बचने के लिए मैंने जो है आप लोग यहाँ पे एकत्रित किया और बताने की कोशिश की कि आप जो है स्वयं जो है हेलमेट रही है। इसमें कितने लोग मोटरसाइकिल चला के आए बताइए, हेलमेट लगाए नहीं लगाए, बैठ जाओ बात 2 मिनट छोड़ दो। तो जब तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका लाइसेंस होता ही नहीं है, रद्द करने की बात ही नहीं, बनता ही नहीं है बेटे। उनको तो बिना लाइसेंस चलते हैं ना, नहीं जांच उनका चालान कर देंगे ना, चालान करेंगे, उनके माता पिता को बुलाएंगे, जो 18 साल से कम के बच्चे चलाएंगे और रास्ते में चेकिंग करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके माता पिता को बुलाएंगे हम लोग। एवं उनका पूरा स्टाफ, आपका स्कूल है, आपका घर, दो जगह है, आप सीधे स्कूल से घर जाइए, घर से स्कूल आइए, अनावश्यक दूसरे स्कूलों पर गलत ढंग से कतई मत जाइए। वहाँ तरह तरह के विजिलेंस वाले पुलिस लगे रहते हैं, पकड़ लेंगे आपको, बंद कर देंगे, और गाड़ी कोई किसी की नहीं पाते हैं तो उसको आजमाइश के लिए इधर उधर घूमिए नहीं। हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करें, तरह तरह के साइंस बने रहते हैं, नहीं बना रहता है, उसको देखा है, उसी पर ध्यान दें और वैसे ही चलाएं। मैं ये सीखा हूँ ट्रैफिक पालन हम सबको करना चाहिए, इससे जनता को भी सुरक्षित रहेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा। ट्रैफिक महोदय ने हमें ये बताया कि हमें ट्रैफिक नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, सड़क पर चलना चाहिए बाइक से तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए और रफ्तार 40-50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कभी भी एयरफोन लगा के कार या बाइक नहीं चलाना चाहिए और कार चलाना चाहिए तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए अगर हमारा अगर दुर्घटना होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे माँ बाप उससे प्रभावित होंगे, हमारा हाथ पैर टूट जाएगा तो हमारा आगे का सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगा। इसी वजह से हमको हमेशा अच्छे तरीके से चलना चाहिए, हेलमेट लगा के सीट बेल्ट लगा के कार में, और आगे हमेशा देखना चाहिए और किनारे दाएं और बाएं देख के चलना चाहिए। ये SP ट्रैफिक सर ने ये बताया कि अगर दुर्घटना होता है तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, यदि हमारे किसी अंग में चोट लग जाए तो ज़िंदगी भर के लिए ख़राब हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जैसे पैसे के मामले में तो हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए हम लोगों का जो उद्देश्य है कि
लोगों का दुर्घटना के बाद जो स्थिति होती है उसके प्रति लोग जागरूक हों, उसके प्रति लोग जागरूक हों। और जागरूकता में ये चीज़ है कि दुर्घटना के बाद क्या क्या विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, कैसे उनका परिवार प्रभावित होगा, कैसे वो स्वयं प्रभावित होंगे, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, इस विषय पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि आपको क्यों प्रिवेंट करना है, आपको यातायात के नियमों का पालन क्यों करना है। हम लोग इस पर अभी जोर नहीं दे रहे हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करिए, अभी हम क्यों पे हैं कि आप अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं, जिससे बच्चे जागरूक हों और अपने आप ही यातायात के नियमों को पालन करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं।